गाइस, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपको मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश टीवी शो के टॉप 15 स्पीडस्टर्स के बारे में। और मैं जानता हूँ एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है टॉप 10 स्पीडस्टर्स के बारे में, बट उसके अंदर मैंने काफ़ी स्पीडस्टर्स को ऐड नहीं किया था। और इवेंचुअली तुम लोगों ने कमेंट्स में मुझे बोला था कि मैंने काफ़ी सारे स्पीडस्टर्स को छोड़ दिया है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग सारे स्पीडस्टर्स को ऐड कर दिया है। अब जबकि सीजन 8 आ चुका है और कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा व्यू थोड़े स्पीडस्टर्स के बारे में और चेंज हुआ है और मैंने रैंकिंग्स में थोड़ा चेंज किया है। अगर मैंने रैंकिंग्स चेंज ही नहीं की होती तो ये वीडियो बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं होता। तो अगर तुमने अभी तक सीजन 8 नहीं देखा तो जाओ पहले जाके सीजन 8 देख लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं सीजन 8 को लेकर। तो विद अ फेस स्पॉयलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, आयरिस वेस्टालन। नंबर 15 पे आती है आयरिस वेस्टालन। और सीजन 4 के अंदर हमने देखा था कि एक एपिसोड के लिए ही सही, बट आयरिस वेस्टालन को पावर्स मिली थी एक स्पीडस्टर की, और वो भी बेरी की पावर्स ही थी इवेंचुअली। बट भले ही वो एक एपिसोड फ्लॉप गया होगा जहां पर आयरिस वेस्टालन को एज अ स्पीडस्टर दिखाया गया था, पर हमें एक चीज तो पता लग गई कि आयरिस अगर कभी स्पीडस्टर बनती बेरी की ही जगह, अगर बेरी को कभी रिप्लेस करती एज अ स्पीडस्टर, तो आयरिस काफी ज्यादा फास्ट होती। क्योंकि आयरिस के स्पीडस्टर बनते ही हमें उसकी स्पीड का पता लगा था, और ये हमें तब पता लगा था जब बेरी स्पीड लैब के अंदर आता है आयरिस पे चेक करने, और हमें वहाँ पे एक ग्लिम्स मिला मॉनिटर पे आयरिस की स्पीड का, और उसकी स्पीड थी 1747 माइल्स पर आवर, जो कि अगर हम मार्क में कन्वर्ट करें तो मार्क 2.2 बनती है। और मेरे को लगता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क 2.5 की स्पीड से भाग सकती थी, बट जब बेरी ने अपना करियर स्टार्ट किया था तब बेरी उससे बहुत ज़्यादा स्लो था। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था कि एक नूबी स्पीडस्टर एकदम से मार्क 2 से स्टार्ट करे। नंबर 14, एडवर्ड क्लारिस या फिर द राइवल। अब देखो सीजन 3 फ्लैश टीवी शो में सबसे ज़्यादा मेन और सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा है अभी तक जितने भी सीजन्स आए हैं उनमें से, क्योंकि सीजन 3 के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी थी जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी कि हमें फ्लैश टीवी शो में दिख सकती हैं। उनमें से ही एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि हमें पता लगा था सीजन 3 के अंदर कि एक ऐसा विलन है रिवर्स फ्लैश के अलावा जो कि नेगेटिव स्पीड फोर्स के अंदर टैप इन कर सकता है, और उसका नाम है एडवर्ड क्लारिस या फिर द राइवल। हमें द राइवल सीजन 3 के अंदर पूरे 2 एपिसोड्स के लिए चाहे दिखा हो, बट 2 एपिसोड में हमें एक चीज तो पता लग गई थी कि वो वॉली वेस्ट से बहुत ज्यादा फास्ट है, और उस टाइम के बेरी के हिसाब से भी वो काफी ज्यादा फास्ट था, क्योंकि फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के अंदर उसने वॉली वेस्ट को मार दिया था और बेरी को लगभग डिफीट कर ही दिया था। भले ही फ्लैश पॉइंट से बाहर आने के बाद उसकी पावर्स थोड़ी कम हो गई हो और चाहे वो अल्टीमेटली बेरी से हार ही गया हो एट दी एंड, बट वो काफ़ी ज्यादा फास्ट था। और उसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो वो मार्क 3.3 की स्पीड से भाग सकता था, क्योंकि हमें पता है कि वॉली वेस्ट की स्पीड मार्क 3 थी और द राइवल वॉली वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो उसकी स्पीड कहीं मार्क 3 से लेके मार्क 3.5 के बीच में स्टैंड आउट करती है। नंबर 13, मीना धवन या फिर फास्ट ट्रैक। नंबर 13 पे आती है मीना धवन या फिर फास्ट ट्रैक, जो कि हमें अभी अभी सीजन 8 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी और नई स्पीडस्टर है। और एज अ न्यू स्पीडस्टर मेरे को बोलना पड़ेगा कि मीना काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी ज्यादा अच्छे से अपनी पावर्स को यूज करना जानती थी। मतलब हमें फास्ट ट्रैक सिर्फ 3-4 एपिसोड्स में ही दिखाई गई थी सीजन 8 के, और ऐसा ही सेम हुआ था आयरिस और एडवर्ड क्लारिस के साथ, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, बट स्टिल जो इंप्रेशन मीना एज फास्ट ट्रैक एज अ स्पीडस्टर छोड़ पाई वो शायद वो दोनों नहीं छोड़ पाए। अब अगर बात करें मीना की स्पीड्स की, तो मीना इनिशियली साउंड की स्पीड से भाग सकती है, बट जब उसने नेगेटिव स्पीड फोर्स के अंदर टैप इन किया था तब वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बेरी जितनी फास्ट हो गई थी, और सीजन 8 का बेरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मीना की इनिशियल स्पीड मार्क 1 है, बट अगर वो अपनी बॉडी को पुश करे और अगर वो अपनी पावर्स को एनहेंस करती, जो कि अब उसके पास बची नहीं है करने के लिए, बट अगर वो इनिशियली अपनी पावर्स को एनहेंस करती और ट्रेन करती अपने आप को, तो वो मार्क 4-5 की स्पीड पर रीच कर सकती थी। नंबर 12, जेसी क्विक। नंबर 12 पे आती है जेसी क्विक, और जेसी क्विक एक लौती ऐसी स्पीडस्टर है जिसने अपना करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेस से स्टार्ट किया था, क्योंकि उसको इवेंचुअली ट्रेनिंग मिली थी बेरी से, और उसके बाद उसके फादर मतलब हैरिसन वेल से, जो कि एक जीनियस है, और उसने हर एक चीज़ उसको बताई है स्पीड फोर्स के बारे में जो उसे ऑलरेडी पता थी। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अर्थ 2 वाले हैरिसन वेल्स को था स्पीड फोर्स के बारे में। बात करें उसकी स्पीड की, तो उसकी स्पीड फ्लैश टाइम के अंदर 8-9,000 माइल्स पर आर की थी, और अगर हम इन नंबर्स को मार्क के अंदर कन्वर्ट करें तो ये निकल के आता है मार्क 10। तो जेसी क्विक मार्क 10 से मार्क 12 की स्पीड के बीच में ट्रैवल कर सकती है। नंबर 11, वॉली वेस्ट और किड फ्लैश। तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि जेसी क्विक तो वॉली वेस्ट से ज़्यादा फास्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी पिछली लिस्ट में वॉली वेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वो टॉप 10 लिस्ट थी, और मेरे हिसाब से वॉली वेस्ट टॉप 10 में नहीं आता है, क्योंकि वॉली वेस्ट बाकी टॉप 10 स्पीडस्टर से काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसलिए मैंने उसको 11 पे ही रखा है इस बार भी।
बात करें वॉली की स्पीड्स की, तो हमने एचआर वेल से सुना था कि वॉली मार्क 3 क्रॉस कर चुका है, तो वो इवेंचुअली मार्क 3 और मार्क 4 के बीच में ट्रैवल कर सकता था सीजन 3 के अंदर। बट जब हमने उसे सीजन 6 के अंदर देखा था, तब हमने देखा था कि वॉली कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और उसका जो बॉन्ड है स्पीड फोर्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से भी, तो उसकी स्पीड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। और सीजन 6 के अंदर वो अराउंड मार्क 15 भाग सकता था, विच मीन्स वॉली या फिर किड फ्लैश मार्क 15 से लेकर 20 के बीच में ट्रैवल कर सकता। नंबर 10, बार्ट एलन। तो देखो नंबर 10 पे आता है बार्ट एलन, और हमने रिसेंटली इसे सीजन 8 के अंदर देखा था, बट सीजन 8 के अंदर हमने इसे इतना नहीं देखा कि हमें ये पता लग सके कि इसकी स्पीड फिलहाल कितनी है। बट सीजन 7 में हमने इसको एक्शन में देखा था, और सीजन 7 तक इसकी स्पीड थी मार्क 10, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव स्पीड है एक यंगस्टर स्पीडस्टर के लिए, क्योंकि वो एक रूम छोड़ देता है उनके लिए इम्प्रूव करने के लिए। अभी बार्ट काफ़ी ज़्यादा यंग है और काफ़ी इमेच्योर है, तो इसलिए उसकी स्पीड अपनी लिमिट्स तक पुश नहीं कर पाती है। बट आगे आगे जैसे ही उसकी एज बढ़ेगी, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेगा और आगे हमें उसकी असली स्पीड का पता लगेगा। नंबर 9, नोरा वेस्टालन। नंबर 9 पर आती है नोरा वेस्टालन, और ये आयरिस और बेरी की डॉटर है, विच इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसकी स्पीड्स बहुत इंप्रेसिव लेवल पर हैं। साथ ही साथ नोरा वेस्टालन ने बेरी के साथ रहकर ट्रेनिंग ली है, विच इज़ वाई वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक एक्सपर्ट है। अब चलो बात करते हैं नोरा वेस्टालन की स्पीड्स की, तो नोरा वेस्टालन की स्पीड्स फिलहाल में तो बार्ट एलन से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि नोरा वेस्टालन मार्क 15 की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, और अगर वो अपनी लिमिट्स को पुश करे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क 17 या फिर मार्क 18 तक रीच कर सकती है। नंबर 8, सावेटार। सीजन 3 में सावेटार का एज अ विलन काफ़ी मेजर रोल। अगर मैं बात करूं कि सारे सीजन में सबसे बेस्ट स्पीडस्टर विलन कौन है, तो वो सावेटार है जूम के बाद, क्योंकि सावेटार ने सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान करके रखी थी, और एक चीज़ ऑब्वियस भी है कि उसको सब कुछ पता ही था क्योंकि वो फ्यूचर फ्लैश था और उसने बेरी को इतने सारे हिंट्स दिए थे कि वो फ्यूचर फ्लैश है, फिर भी बेरी कभी समझ ही नहीं पाया कि वो उसी का टाइम लिमिट है और उसी की ज़िंदगी में जहर घोलने आया है। बट स्टिल अब बात करें अगर सावेटार की स्पीड्स की, तो सावेटार की स्पीड्स ऑन नेक्स्ट लेवल थी और बेरी से तो बहुत ज़्यादा फास्ट थी एट सीजन 3, एट पॉइंट ऑफ सीजन 3, और वॉली से भी वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और जेसी से भी बहुत ज़्यादा फास्ट था, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये इन तीनों स्पीडस्टर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। अब देखो सावेटार की स्पीड्स को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है लोगों में, क्योंकि सावेटार्स की पावर्स की फीट्स आज तक किसी को पता ही नहीं लग पाई है, और व्यूअर्स को तो आज तक ये भी नहीं पता कि वो जब एज अ विलन इंट्रोड्यूस हुआ था तब किसी भी स्पीडस्टर को नहीं दिखता था, बट लेटर ऑन द शो वो सबको ही क्यों दिखने लगा, इवन ह्यूमंस कैन सी हिम। तो अगर हम ये मान के चले कि जेसी वॉली और बेरी से ज़्यादा फास्ट था सावेटार, तो मे बी, जस्ट मे बी, ही वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ मार्क 30, या अगर हम उसकी स्पीड्स में डीप जाएं तो वो प्रॉबेबली मार्क 30 से मार्क 40 के बीच में ट्रैवल कर सकते। बट अगर वो अपने लिमिट्स को पुश करता है और फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और अगर वो जैसा बोलता है वो वैसा गॉड था, तो मार्क 200 को भी क्रॉस कर सकता है। ये जस्ट एक स्पेकुलेशन। नंबर 7, ऑगस्टार्ड और गॉड स्पीड। सीजन 6 में इतने सारे गॉड स्पीड क्लोन्स देखने के बाद, आखिरकार सीजन 7 में हमें रियल गॉड स्पीड देखने को मिला, मतलब ऑगस्टार्ड, और उसकी भी मेमोरीज वाइप हो गई थी। बट जब उसकी मेमोरीज वापस आई, तब हमें मिला एक और विलन जो रिवर्स फ्लैश की साइकोटिक वाइब्स को आगे लेके जाता है, और गॉड स्पीड लिटरली काफी ज्यादा फास्ट था। सीजन 6 के अंदर हमें क्लोन्स दिखे थे तो इसलिए वो बेरी से हार गए थे, बट सीजन 7 के अंदर हमें गॉड स्पीड एक्शन में दिखा और गॉड स्पीड की असली स्पीड का पता लगा। वेल, गॉड स्पीड की इनिशियल स्पीड नोरा जितनी ही है, मतलब नोरा वेस्टालन जितनी ही है, क्योंकि उसने अपने आप को टेम्परेरी स्पीड स्ट्रेस की पावर्स दी थी, मतलब ड्रग्स का यूज़ करके और V9 का यूज़ करके उसने पावर्स गेन करी थी, तो इसलिए उसकी स्पीड नोरा जितनी ही है। बट जब वो स्पीड फोर्स का एक पार्ट बन गया था, तब उसकी स्पीड 10 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट थी। नंबर 6, जे गैरिक। जे गैरिक एक डेकेड से भी ज़्यादा अब एक स्पीड स्ट्रेस की पावर्स रख चुका है, और जे गैरिक को स्पीड फोर्स के बारे में इतना पता है कि जितना किसी स्पीड स्ट्रेस को शायद ही पता हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि हैरिसन वेल्स और टू वाले को इससे भी ज़्यादा पता था, बट अब वो नहीं है, तो जे गैरिक ही एक अकेला एल्डर है जिसको स्पीड फोर्स के बारे में सारा ज्ञान है। मैं मानता हूँ कि जे गैरिक भले ही ओल्ड हो, बट स्टिल जे गैरिक अभी भी स्पीडस्टर्स को टेक ऑन कर सकता है और स्पीडस्टर्स को हरा सकता है। इवन वो अगर चाहे तो वो बेरी को भी हरा सकता था अनटिल सीजन 3, बट सीजन 3 के बाद बेरी में कुछ ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट्स हो गई, जिस वजह से अब जे गैरिक उससे कम्पीट नहीं कर सकता। बट स्टिल जे गैरिक की स्पीड्स अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लेवल पे हैं। मैं जानता हूँ सावेटार
और गॉड स्पीड के कंपैरिजन में इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस उन दोनों से ज़्यादा है, तो अगर ये कभी उनसे फाइट करते हैं तो ये ऑफकोर्स जीत जाएंगे। चलो अब बात करते हैं इनकी स्पीड की। तो जे गैरी की स्पीड अराउंड मार्क 20 है, और अगर ये अपनी लिमिट्स को पुश करें अपनी इस स्टेज में तो वो मार्क 40 को क्रॉस कर सकते हैं, बट इससे फास्ट वो नहीं जा सकते। बट इनको 6 नंबर पे रखने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था मेरा, और वो ये था कि इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा काम आया है जितना बेरी को और कोई भी स्पीडस्टर काम नहीं आया होगा। जे गैरिक ने बेरी की हमेशा हेल्प करी है और आगे भी करते रहेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। नंबर 5, एलाइजा हरमन और ट्रेजिक्ट्री। अब देखो नंबर 5 पे आती है एलाइजा हरमन, और एलाइजा हरमन एज अ विलन बहुत ही ज़्यादा मेनियक थी और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी मेरी। अगर तुम मुझसे अभी भी पूछो कि मेरा फेवरेट विलन कौन था इन द फ्लैश, तो मैं मेल में ज़रूर बोलूंगा कि मेरा फेवरेट विलन रिवर्स फ्लैश था, बट अगर तुम मेरे से फीमेल विलन्स के बारे में पूछोगे तो मैं अभी भी टॉप 1 पे ट्रेजिक्ट्री को रखूंगा और टॉप 2 पे किलर फ्रॉस्ट को, क्योंकि किलर फ्रॉस्ट के पास स्पीडस्टर्स की पावर्स नहीं थी इसलिए, और स्पीडस्टर विलन मेरे काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब रहते हैं। तो ट्रेजिक्ट्री एक बहुत ही मैनियाटिक विलन थी, और सीरियसली इसके नियर भी कोई नहीं है अगर फीमेल विलन्स की मैं बात करूँ। अब चलो बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो जब सीजन 2 के अंदर इसने वेलोसिटी 9 का यूज़ किया था, तब इसकी लाइटनिंग ब्लू में कन्वर्ट हो गई थी, और अगर मैं जूम की स्पीड की बात करूँ तो जूम मार्क 200 से ऊपर पहुँच सकता है, बट ट्रेजिक्ट्री ऑन दी अदर हैंड उससे थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि इन अ सेकेंड जब उसने वेलोसिटी 9 के 3 डोज यूज़ किए थे। देखो वेलोसिटी 9 तुम्हारी स्पीड ट्वाइस बढ़ा देता है, पर हमें इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ेगा कि जो लास्ट डोज थी जो ट्रेजिक्ट्री ने ली थी जिसके बाद उसकी लाइटनिंग ब्लू में कन्वर्ट हो गई थी, वो केटलिन का वेलोसिटी 9 का रिवाइज फॉर्मूला था, और उससे आपकी स्पीड 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम मान के चले कि ट्रेजिक्ट्री की स्पीड 2531 माइल्स पर आर थी, और अगर उसने 2 डोज ली थी जिससे उसकी स्पीड ट्वाइस बढ़ गई थी, तो इंटू 4, और जो उसकी लास्ट डोज थी अगर उसने 10 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ा दी थी, तो उसकी स्पीड 1240 माइल्स पर आर तक रीच कर सकती थी। और अगर हम इसे मार्क में कन्वर्ट करें तो ये निकल के आता है मार्क 131, जो सीरियसली नेक्स्ट लेवल स्पीड्स होती हैं एक आर्टिफिशियल स्पीडस्टर के लिए जिसके पास स्पीड फोर्स नहीं है। और अगर ये जिंदा होती, खैर ये तो डिसइंटीग्रेट हो गई, बट अगर ये जिंदा होती तो ये कितनी बड़ी मेनियक बनती अब जाके, तो ये तो तुम सोच ही सकते हो। नंबर 4, हंटर सोलोमन या फिर जूम। अब तुम लोगों को मानना पड़ेगा कि सीजन 2 फुल ऑफ सरप्राइजेस था। पहले हमें मिलता है नकली जे गैरिक, और हमें बाद में पता चलता है कि यही जूम है, एक रूथलेस किलर जिसने बेरी और बेरी की टीम को बहुत बार परेशान किया है। बेरी की गर्लफ्रेंड को छत से लटका दिया था, बेरी की हड्डियां तोड़ दी थी, बेरी की स्पीड ले ली थी, वॉली को किडनैप कर लिया था, खैर तुम जानते ही हो जिन लोगों ने सीजन 2 देखा है। बट अगर हम बात करें जूम की स्पीड्स की, तो जूम की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, पर जूम अपने आप को ऐसे कंट्रोल करता था और वो अपनी स्पीड्स को इस लिमिट पे पुश नहीं करने देता था ताकि वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ कि जूम मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन कर सकता था, तो पहले हमें जूम की स्पीड हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, और उसको समझने के लिए तुम्हें किताबें लेके बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। पहले तो जूम का ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पर उसको स्पीड मिली थी डार्क मैटर की हेल्प से, और उसको सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हो गया था। दूसरा, उसने वेलोसिटी 9 के 3 शॉट्स लिए थे। तीसरा, उसने बेरी की स्पीड स्टील करी थी। एंड एट लास्ट जब उसको पता लगा कि अभी भी उसे सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो उसने बेरी की 100% स्पीड फोर्स उसकी बॉडी से ले ली थी और अपने अंदर इंजेक्ट कर ली थी। तो देखो, अगर इन नंबर्स को मैं टोटल करने बैठा तुम लोगों के सामने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर मैं तुम्हें जूम की स्पीड की अप्रॉक्स फिगर बताऊं तो ये बनती है 159,584 माइल्स पर आर, जो कि अगर मार्क में कन्वर्ट की जाए, हमें पता चलता है कि जूम मार्क 207 की स्पीड पे भाग सकता था, बट वो अपनी स्पीड्स को लिमिट करता था क्योंकि उसको सेलुलर डिसइंटीग्रेशन थी, और भी बहुत चीज़ें थी जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड्स को लिमिट करके रखता था। नंबर 3, रिवर्स फ्लैश या फिर ईयरबड थॉर्न। अब नंबर 3 पर आता है रिवर्स फ्लैश या फिर ईयरबड थॉर्न, और मैं जानता हूँ तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मैनिपुलेटर देखे होंगे, अपने घर में, अपने घर के बाहर। एनीमे में युइची काटागिरी को देखा होगा तुमने, आयाना कोजी को देखा होगा, बट तुमने रिवर्स फ्लैश को नहीं देखा है। अगर तुम रिवर्स फ्लैश को देख लेते तो तुम ये नहीं बोलते कि आयाना कोजी और युइची इससे बड़े मैनिपुलेटर हैं। तो देखो, रिवर्स फ्लैश एक बहुत ही बड़ा साइकोटिक विलन है जो फ्लैश को मारने के कॉन्सेप्ट से ऑब्सेस्ड है, और वो फ्लैश को मार भी देता अगर वो सीजन 8 में नहीं मरता तो, और आगे सीजन 9 में अगर उसकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू की जाती तो।
अब अगर बात करें रिवर्स फ्लैश की स्पीड्स की, तो रिवर्स फ्लैश की स्पीड बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाती है। और अगर हम उसकी स्पीड के नंबर्स की बात, तो रिवर्स फ्लैश 7,500,000 की स्पीड पे भाग सकता है। और अगर हम इसको मार्क में कन्वर्ट करें तो हमें पता लगता है कि वो अप्रोक्सीमेटली मार्क्स 9,774 की स्पीड से भाग सकता है। और अगर वो अपनी लिमिट्स को पुश करे तो मार्क 12,000 से 13,000 को भी क्रॉस कर सकता है ईजिली। नंबर 2, ब्लैक फ्लैश। हंटर सोलोमन को स्पीड फोर्स के डीमंस ने कैप्चर करने के बाद एक ऐसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया जिसकी स्पीड्स की कोई लिमिट ही नहीं थी, और वो ऐसे स्पीडस्टर्स को पकड़ने में काम आए जो टाइम के लॉस को ब्रेक करते हैं और स्पीड फोर्स के लॉस को भी ब्रेक करते हैं, जिसके बाद हमें मिलता है ब्लैक फ्लैश। और ब्लैक फ्लैश लिटरली में बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसकी स्पीड्स की कोई लिमिट्स नहीं है, क्योंकि इसके पीछे स्पीड फोर्स है इसको सपोर्ट करने के लिए। और इसकी बॉडी जस्ट एक वेसल की तरह है जिसको अगर तुम डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तो उसके बाद भी इसको रीजनरेट किया जा सकता है अगर स्पीड फोर्स चाहे तो। बात करें इसकी स्पीड की, तो ये यूजुअली ट्रैवल करता है मार्क 12,000 से 15,000 की स्पीड के बीच में, बट अगर ये चाहे तो अपनी लिमिट्स को पुश कर सकता है और ये किसी भी स्पीडस्टर को पकड़ सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड की कोई रीच नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना पुश कर सकता है क्योंकि ये एक ब्रेनलेस मॉन्स्टर है। नंबर 1, बेरी एलन द फ्लैश अर्थ प्राइम से। अब देखो, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस थी, ये वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को लगी भी होगी कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि मैं नंबर 1 पे बेरी को ही रखने वाला हूँ, क्योंकि सीजन 8 में बेरी ने अपनी स्पीड्स को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। सीजन 7 में तो उसकी स्पीड थी ज़्यादा, बट सीजन 8 के एंड तक आते आते हमें ये पता लग गया कि लिटरली ऐसा कोई स्पीडस्टर नहीं है जो बेरी को अब हरा सकता है, क्योंकि बेरी अब लाइट की स्पीड से भी तेज भागता है और लाइट भी अब बेरी के सामने स्लो ट्रैवल करती। बट अगर बेरी की एक्चुअल स्पीड की बात करें तो सीजन 6 तक बेरी मार्क 242 की स्पीड से भाग सकता था और उससे आगे भी अपने आप को पुश कर सकता था, बट अल्ट्रा वॉइड से लड़ते हुए उसकी स्पीड मार्क 242 थी। और अब हम जानते हैं कि वो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज भाग सकता। और जस्ट एक फन फैक्ट, जो लोग ये बोलने वाले हैं कमेंट्स में कि सुपरमैन फ्लैश से भी तेज है, तो ये जान लो कि फ्लैश सुपरमैन से 3 times फास्टर भाग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे जीत सकता है अगर वो 1-on-1 फाइट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सुपरमैन से ज़्यादा फास्ट है। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो कहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हारा ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हारे हिसाब से इन 15 स्पीडस्टर्स में से कौन है टॉप स्पीडस्टर, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रा डाल देना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सबसे फास्टेस्ट स्पीडस्टर का टाइटल होल्ड करने लायक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।